नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा की कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव से नाबालिग किशोरी का अपहरण कर धर्मांतरण कर एक मामला सामने आया। दो किशोरी के धर्मांतरण के मामले पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी से मिल सख्त कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाने के पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता ने आज अधिकारियों के समक्ष अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बयान की। वही अधिकारियों की ओर से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। INA के लिए जनपद बांदा से संवाददाता प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। किस थाने से आए? क्या समस्या है तुम्हारी? हमारे साथ साथ बहुत गलत काम हुआ है। क्या हुआ? पूरी बात बताओ। पूरी बात यही है कि हमारे एक लड़का था, मैं उससे बात करते थे, वो मुझे बहला फुसला के अपने साथ ले गया और ले जाकर मेरे साथ बहुत गलत काम किया। और फिर वहाँ पे बोल रहा था कि तुम मेरे साथ मुसलमान बन के रहो और मेरे से मुसलमान के तरीके शादी करो। तो मैंने कहा मैं नहीं रहूंगी। क्या धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था? हाँ। जबरदस्ती? हाँ। फिर आगे क्या? अब अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। जान से मारने की धमकी? हाँ। आज कहाँ आई? बांदा जिला जवाहरपुर थाना। एसपी ऑफिस? क्या साहब से मिल चुकी? क्या आश्वासन दिया? क्या कहा उन्होंने? साहब ने कुछ कहा? बोले ठीक है, तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। क्या कौन लड़का था जिसका जो आपके साथ जिसके साथ? हनुमान। कहाँ रहता है ये रहने वाला? बस्ती का है। बस्ती का? थाना कौन सा है? जमालपुर थाना देहात का। आप कौन है लड़के का? उनका उनका नहीं मैं जानती। गोंडा बस्ती। ठीक ठीक ये कब पे रहता?